फ्रेंड, यदि आपने यूपी स्कॉलरशिप में ऑनलाइन किया है तो जब आपका फॉर्म ऑनलाइन कंप्लीट हो जाता है तो जब आप फाइनल प्रिंट निकलवाते हैं तो उसको जब स्कूल में जमा करने के लिए ले जाते हैं तो वहां पर आपको जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक या आय जात निवास, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनका प्रिंट आउट आपको, इनका जो है फ़ोटो स्टेट आपको ले जाकर स्कूल में जमा करना होता है। लेकिन वहाँ पर आपको एक और चीज़ लगती है और वो होता है आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, और फिर जो जात प्रमाण पत्र होता है यानी कास्ट सर्टिफिकेट, इसका जो वेरिफिकेशन होता है इसको भी वहाँ पर स्कूल में मांगते हैं, यानी कि इसका जो आय जात निवास इनका होता है इनका वेरिफिकेशन भी वहाँ पर मांगा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने आय प्रमाण पत्र या जात प्रमाण पत्र का जो वेरिफिकेशन होता है उसको आप कैसे निकालेंगे और उसको कैसे प्रिंट कराकर जो है जो अपने डॉक्यूमेंट के साथ उसको भी लगाकर अपने स्कूल में कैसे जमा करने के लिए ले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो नाली दर्पण चैनल और इस वीडियो के साथ मैं हूं वीरेंद्र कुमार। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, जो है इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर लोग मोबाइल से जो है प्रिंट आय जात प्रमाण पत्र का जो वेरिफिकेशन होता है उसको निकाल तो लेते हैं लेकिन उसको जो प्रिंट कराने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे आप अपने मोबाइल से निकालेंगे और उसे आप जो है पीडीएफ में कैसे जो है सेव करके किसी भी कंप्यूटर की दुकान से कैसे निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र या फिर कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जात प्रमाण पत्र या फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, किसी का भी अगर आपको वेरिफिकेशन निकालना है तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउज़र खोलना है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड आपको लिखना है ई डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों, ई डिस्ट्रिक्ट लिखकर आपको सर्च कर देना है। बहुत से लोग जो है सिटीजन सर्विस से जो है प्रमाणित करते हैं तो आपको सिटीजन सर्विस पर नहीं जाना है, आपको ई डिस्ट्रिक्ट लिखकर सर्च करना है। उसके बाद ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखेगी edistrict.up.gov.in, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप पहुँच जाएँगे ई डिस्ट्रिक्ट के होम पेज पर। फ्रेंड, यहाँ पर जब आप मोबाइल में इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये जो इसका पेज है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसे डेस्कटॉप साइट के रूप में यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल में बता रहा हूँ तो ऐसे ही रहने देता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपको एक दो ऑप्शन दिखेगा कि आवेदन की स्थिति और प्रमाण पत्र का सत्यापन। तो आपको यहाँ क्या करना है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो यहाँ से तो आप चूँकि निकाल देख तो लेंगे लेकिन यहाँ से जो प्रिंट नहीं निकलवा पाएंगे। फ्रेंड, इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो उस लिंक पर सीधा क्लिक करेंगे तो सीधा आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब फ्रेंड, यहां पर देखिए ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है कि यहां पर एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट आईडी, तो यहां पर क्या करना है कि आपका जो आय प्रमाण पत्र होता है और जात प्रमाण पत्र होता है उस पर जो है दो नंबर दिए होते हैं, एक आवेदन संख्या होती है और दूसरा जो है उनका प्रमाण पत्र क्रमांक होता है यानी कि उसका जो नंबर होता है, वो दोनों नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपके आय में, आय प्रमाण पत्र में और जात प्रमाण पत्र में जो फार्म का जो आवेदन संख्या होता है जो कि 15 अंकों का होता है उसको आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर वाले में डाल देना है। उसके बाद जो यहाँ पर सर्टिफिकेट आईडी है, यहाँ पर उस प्रमाण पत्र का जो क्रमांक होता है यानी कि वो 12 अंकों का होता है तो आपको उसको यहाँ पर डाल देना है। चाहे आप जाति सर्टिफिकेट हो या फिर आय हो, चाहे फिर निवास हो, जो भी हो, जो भी आप जिसका भी वेरिफिकेशन निकालना चाहते हैं उस सभी में दिया होता है तो उसको आपको यहाँ एंटर कर देना है। तो चलिए मैं सबसे पहले एंटर कर देता हूँ, उसके बाद आगे आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने जो नंबर है वो डाल दिया, एप्लीकेशन नंबर और उसका जो आईडी नंबर होता है दोनों यहाँ पर हमने डाल दिया है। अब यहाँ पर जो सर्च का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर नीचे दिखिए, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तुरंत आपका जो है प्रमाण पत्र का जो सत्यापन है वो इस प्रकार से देखिए निकल जाएगा। यहाँ पर आपको ये इसलिए होता है ताकि ये जो है नेट पर अवेलेबल है या नहीं है, इसलिए इसका जो सत्यापन मांगा जाता है, इसका वेरिफिकेशन तभी मांगा जाता है। अगर इस प्रकार से आपका दिख गया तो आप समझ लीजिए आपका जो वेरिफिकेशन है वो सही है, यानी आपका जो प्रमाण पत्र है वो सही है। तो आपको इसको क्या करना है, प्रिंट कर लेना है। तो आप अपने मोबाइल में अगर इसे निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ प्रिंट का ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो थ्री डॉट आपको
राइट साइड में ऊपर जो थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे शेयर का एक ऑप्शन दिखेगा, तो आपको शेयर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखिए पीडीएफ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए पीडीएफ का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको इस पीडीएफ के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसमें जो है आपका जो भी वेरिफिकेशन वाला है, जैसे आज़ाद जो भी हो उसका आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए, जिसका है उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद इसको नाम लिखने के बाद इसको क्या करना है आपको सेव कर देना है। देखिए यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ तो ये जो है हमारे गैलरी में जाकर सेव हो गया। तो चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी जो फाइल मैनेजर उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये जो है आ गया है। तो जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट सेव होता होगा तो वहाँ पर आकर सेव हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर सेव हो गया। अब इसे आप किसी के, जैसे आप इसे प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं किसी कंप्यूटर वाले की दुकान पर, तो उसके पास यहाँ से देखिए सेंड फाइल का ऑप्शन है, तो यहाँ से उनके व्हाट्सएप वगैरह पर आप शेयर करके और उनसे जो प्रिंट आउट इसका निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, जिसका भी वेरीफिकेशन की आपकी ज़रूरत हो उसका जो है यहाँ पर वेरीफिकेशन निकाल कर आप उसका प्रिंट आउट निकलवा कर और उसे आप अपने स्कॉलरशिप वाले फॉर्म के साथ जमा कर सकते हैं।